जो बिल पास हुई है वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, उस बिल के बारे में भी जो है हम लोग मुबारकबादी पेश करना है देश के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर आते ही इतना बड़ा सरप्राइज, सब लोगों को कॉल कर दिए, सब लोगों को बुला लिए, और ये नहीं बल्कि पूरे स्टेट से इंडिया के सब खुदों को जो है सबको इन्वाइट कर दिए हैं, और सबको यहाँ देख कर बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं आज ये बात सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रूव कर दिया कि भारत की 99% पब्लिक उनके तरफ है, 50% नहीं, 40% नहीं, 60% नहीं, 99% उनके तरफ है करके प्रूफ हो गया। कल सुबह से पार्लियामेंट में मैं सुन रही थी कि पार्लियामेंट में बात स्टार्ट हुई वुमेन्स एम्पावरमेंट की। मैंने इसी बिल के लिए ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को लॉन्च किया, क्योंकि जब हम लोकसभा में देखते हैं, जब राज्यसभा में देखते हैं, जब मिनिस्ट्री में देखते हैं, तो 100% जो है मेल होते हैं, जो ये औरत होती है उसको किसी के नीचे काम करना होता है, उसका तो कुछ चलता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बिल जो है, ये बिल को पास कराना मेरा मकसद है और बाकी कुछ मकसद नहीं है। देश में महिलाओं के लिए 30% बिल के लिए जो हमारे 442 लोकसभा मेंबर्स ने वोट देकर जो उस बिल को आगे कर दिया, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस वो बिल को आगे बढ़ाए, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब मुझे लगता है कि पूरा देश में एक अच्छा सा बदलाव आ जाएगा और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी ये ताकत बनेगी अभी।